सुप्रभात साथियों, राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थलों की इस कड़ी में हमारा जो बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस में तीन प्रमुख स्थल दिए गए उन पे हमने चर्चा कर ली। इसके अलावा दो स्थलों के नाम दिए गए हैं, एक गणेश्वर और दूसरा बालाथल। आज हम गणेश्वर सभ्यता स्थल पर बात करते हैं। गणेश्वर देखते हैं और गणेश्वर जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और बीए सेकेंड ईयर का सिलेबस है तो इसमें तो महत्वपूर्ण है ही है। देखिए मित्रों, गणेश्वर जो है इस पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो जनरल क्वेश्चन आते हैं पहले तो उनको देखते हैं, फिर यहाँ की कुछ प्रमुख विशेषताएं हम देखेंगे। सीधा सा क्वेश्चन जो स्थल पे हमेशा आता है कि एक तो इसकी स्थिति हमें पता होनी चाहिए, दूसरा इसकी खोज किसने किया है ये हमें पता होना चाहिए, नेक्स्ट यहां उत्खनन किसने करवाया है, उत्खनन का कार्य है, इसके बाद में इससे संबंधित काल पर भी क्वेश्चन बन सकता है और इसके बाद में इसके उपनाम से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हम मुख्य विशेषताएं देखेंगे। पहले ये पांच टॉपिक है इनको हम कवर करते हैं, फिर मुख्य विशेषताओं पे आते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है। देखिए मित्रों, स्थिति का जैसे हमें पता ही है सभी को कि गणेश्वर है ये नीम का थाना, नीम का थाना सीकर में, नीम का थाना सीकर जिले में गणेश्वर है। ये किस नदी के किनारे है तो ये कांतली, कांतली नदी के किनारे विकसित है, विकसित हुआ कांतली नदी के किनारे। तो नीम का थाना सीकर में है और कांतली नदी के किनारे स्थित है, ये इसकी स्थिति है। इसकी खोज, खोज किसने की है तो इसकी खोज 1972 में, 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल करते हैं। रतन चंद्र अग्रवाल आरसी अग्रवाल है, इन्होंने इस स्थल को 1972 में खोजा है, ये ध्यान रखेंगे हम। नेक्स्ट उत्खनन कार्य, यहां उत्खनन कार्य 1970 में प्रारंभ होता है, यानी 77-78 में होता है और वो किसके निर्देशन में होता है, एक तो यही आरसी अग्रवाल है, रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, वे दूसरी हैं विजय कुमार, रतन चंद्र अग्रवाल वे विजय कुमार के निर्देशन में यहां 1977-78 में उत्खनन कार्य होता है गणेश्वर में। इसके बाद में काल, अब देखिए इसका जो काल है वो 2800 ईस्वी पूर्व से 2200 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, 2800 ईस्वी पूर्व से 2200 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और यहां क्या है कि 2350 ईस्वी पूर्व एक ऐसा काल है जिस पर सभी विद्वान एकमत है, 2350 ईस्वी पूर्व में गणेश्वर सभ्यता थी इस पर सभी विद्वान एकमत है। हालांकि फिर अलग अलग काल बनाते हैं पर सर्वमान्य काल है वो 2800, ये 2800 ईस्वी पूर्व से लेकर 2200 ईस्वी पूर्व के मध्य है, ये इसका काल माना जाता है। इसके अलावा देखिए साथियों, अपने को यह ध्यान रखना है कि यहां जो अवशेष मिले हैं ये प्राक हड़प्पाकालीन स्थल माना जाता है, प्राक हड़प्पाकाल का स्थल माना जाता है, ये हड़प्पाकाल का स्थल माना जाता है, हड़प्पाकाल का समकालीन है, प्राक हड़प्पाकालीन है और ये ताम्र युगीन सभ्यता मानी जाती है, ताम्र युगीन सभ्यता मानी जाती है। तो अपने ये कहें कि गणेश्वर कौन सा स्थल था, प्राक हड़प्पाकालीन, हड़प्पाकालीन, ताम्र युगीन, उपयुक्त सभी, तो ये तीनों ही है, अपने को ध्यान रखेंगे प्राक हड़प्पाकालीन है, हड़प्पाकालीन भी है और ताम्र युगीन भी है।
इसके बाद में इसके उपनाम। देखिए साथियों अपने को पता है जैसे यहां क्या है कि इसका उपनाम, तो इसे क्या कहते हैं, ताम्र युगिन सभ्यताओं की जननी। ये अपने आहार करते समय कहा था ताम्र युगिन सभ्यताओं की जननी, इसको कहा जाता है। सेकंड कि इसको ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है, और तीसरा इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर इसको कहते हैं। ये इंपोर्टेंट है साथियों, ये क्वेश्चन आया नहीं है, आने की पूरी संभावना है, कभी भी आ सकता है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आ सकता है। देखिए ये जो उपनाम हमने तीन लिखे हैं, एक ताम्र युगिन सभ्यताओं की जननी, ताम्र युगिन सभ्यताओं की जननी इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां सबसे प्राचीन तांबे के उपकरण मिले हैं, सबसे प्राचीन तांबे के उपकरण मिले हैं, इसलिए इसे ताम्र युगिन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्र संचयी संस्कृति, क्योंकि यहां तांबा पाया जाता था, और अपने आगे देखेंगे कि यहां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को यहां से तांबे की सप्लाई होती थी, यानी हड़प्पा स्थलों को क्या है कि तांबे की सप्लाई होती थी, इसलिए ताम्र संचयी संस्कृति भी इसको कहा गया है। और इसके बाद में पुरातत्व का पुष्कर, पुरातत्व का पुष्कर इसको पुरातत्व स्थलों में जो है उनमें पवित्र इसको माना गया है, प्राचीन संस्कृति है, तांबे का है, तांबा यहां खेतड़ी और खोदरी से प्राप्त होता है, तो इसको पुरातत्व का पुष्कर भी कहा गया है। ये हम ध्यान रखेंगे साथियों। तो ये हमारे मोटे तौर पर क्वेश्चन, इसके अलावा अन्य इसकी प्रमुख अपनी विशेषताएं देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम गणेश्वर सभ्यता की मुख्य विशेषताओं की चर्चा करते हैं, जो जो हमें यहां से मिला है। अब यहां से क्या मिला है उसकी हम बात करते हैं। मुख्य विशेषता है, देखिए मुख्य विशेषताएं हैं इनमें, सबसे पहले तो इसे भारत में ताम्र युगिन स्थलों का प्रारंभिक केंद्र माना गया है। प्रारंभिक केंद्र क्यों माना गया है साथियों से, क्योंकि यहां सबसे पुराने, ये भारत का सबसे प्राचीनतम क्या माना जाता है, सबसे प्राचीनतम तांबे का केंद्र माना जाता है, इसलिए इसे प्रारंभिक, प्राचीन है तो कोई प्रारंभिक होगा, तो प्रारंभिक केंद्र माना गया पूरे भारतवर्ष में। यह ध्यान रखना है, इससे पुराना कोई भी स्थल नहीं है। दूसरा, यहां तांबे के सर्वाधिक उपकरण मिले हैं, तांबे के सर्वाधिक उपकरण मिले हैं, सर्वाधिक प्राचीन उपकरण मिले हैं, ये बात कहें, और इन प्राचीन उपकरणों में सर्वाधिक कौन सा मिला है उसकी बात कर रहे हैं। हमने देखा कि सबसे प्राचीन उपकरण मिले हैं, और ये सर्वाधिक प्राचीन उपकरण हैं, इनमें सबसे ज्यादा क्या मिला है, तो यहां सर्वाधिक मिला है वो मछली पकड़ने का कांटा मिला है, मछली पकड़ने का कांटा यहां सर्वाधिक मिला है साथियों। इसके साथ ही हम आगे देखें तो यहां क्या है कि जो मकान है, ये मकान किससे बने होते थे, पत्थरों से बने होते थे, ईंटों से नहीं बनाए गए थे, ये ध्यान रखेंगे, पत्थरों से बने होते थे, और ये इस सभ्यता का एकमात्र स्थल है गणेश्वर सभ्यता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकमात्र स्थल जहां से क्या है पत्थर का बना हुआ बांध प्राप्त हुआ है, पत्थर का बना हुआ बांध
प्राप्त हुआ है वो यहाँ सभ्यता स्थलों में पूरा एकमात्र सभ्यता स्थल है जहां से पत्थर का बना हुआ बांध प्राप्त हुआ है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। तो ये पत्थर से बना हुआ बांध हमें यहीं से मिलता है। नेक्स्ट, यहां से और हमें क्या प्राप्त होता है, हमें कहें कि यहां जो तांबा जो मिला है, साथियों ध्यान रखेंगे ये तांबा ही प्राप्त करते थे, यानी गणेश्वर के लोग प्राप्त करते थे। ये खेतड़ी अपने को पता रहता है कहां पे है, झुंझुनू में। खेतड़ी, झुंझुनू व खुदरीबा है अलवर में, यहां से प्राप्त करते थे ऐसा अनुमान है। यानी तांबा प्राप्त कहां से करते थे, खेतड़ी, झुंझुनू और खुदरीबा अलवर से प्राप्त करते थे ऐसा अनुमान है। और ये तांबा बेचते कहां थे, यानी निर्यात किनको करते थे, तो ये तांबा निर्यात करते थे किनको, हड़प्पा वह मोहनजोदड़ो को मुख्यतः और अन्य हड़प्पा स्थलों को भी करते थे। इसलिए इनको पुरातत्व का पुष्कर कहा गया है, क्योंकि ये तांबे का है, ये निर्यात करते थे तांबा, यहां बहुतायत में मिलता था, हालांकि आता यहां से था, फिर उपकरण बनते थे और फिर ये सप्लाई होता था हड़प्पा स्थलों को, इसलिए पुरातत्व का पुष्कर इस को कहा गया है। इसके अलावा अपने ध्यान रखेंगे कि ये एकमात्र स्थल है, एकमात्र स्थल है जहां से क्या मिले हैं, छल्लेदार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, छल्लेदार मिट्टी के बर्तन मिले। एकमात्र स्थल है जहां से छल्लेदार मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं सभ्यता स्थल, वो कौन सा है, वो गणेश्वर ही है मित्रों। एकमात्र सभ्यता स्थल जहां से छल्लेदार मिट्टी के बर्तन हमें प्राप्त होते हैं, तो ये गणेश्वर से हमें ये चीजें प्राप्त होती हैं मोटे तौर पर। तो ये गणेश्वर है, गणेश्वर को आप अच्छे से ध्यान रखें, किस नदी के किनारे है, कहां इसकी स्थिति है, खोज किसने की, उत्खनन कार्य किसने करवाया, काल कौन सा रहा, उपनाम कौन से हैं और क्यों है, और इसके अलावा इसकी मुख्य विशेषताएं जो गणेश्वर सभ्यता की हैं वो ये रहती है साथियों मोटे तौर पर। तो गणेश्वर सभ्यता है, इसमें हम इतना ही देखेंगे। अभी अपने दूसरा स्थल देखते हैं गणेश्वर के बाद में, नेक्स्ट है बालाथल। अब बालाथल है इस, ये भी छोटा सा स्थल है पर अपने सेकंड ईयर के सिलेबस में दिया हुआ है, लिखा हुआ है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। बालाथल में वही क्वेश्चन, एक तो स्थिति हमें पता होनी चाहिए बालाथल की कहां है, दूसरा इसकी खोज किसने की, तीसरा यहां उत्खनन कार्य किसने करवाया है, उत्खनन कार्य, और चौथा इसका अनुमानित काल, इसका अनुमानित काल माना गया है वो हम देखेंगे। तो साथियों सबसे पहले तो स्थिति, ये बालाथल है, ये वल्लभ नगर तहसील है उदयपुर जिले में, यहां पर स्थित है उदयपुर वल्लभ नगर में। और यहां नदी की बात करें तो नदी बनास नदी का आधार है, पूरी तरह से किसी नदी के किनारे नहीं है पर ये बेड़च के क्षेत्र में है, बनास नदी आधार है इसका। और यहां इसकी खोज 1962-63 में करते हैं, वो करते हैं प्रोफेसर वीरेंद्रनाथ मिश्र हैं, ये इसकी खोज करते हैं 1962-63 में। और यहां उत्खनन कार्य होता है वो 1993 में होता है, और इस उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ है, प्रोफेसर वी एन मिश्र के नेतृत्व में हुआ है, वी एन मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र है इनके नेतृत्व में हुआ है, और इनके सहयोगी थे कुछ इस कार्य में, इनके सहयोगी थे, उनके भी नाम पूछे जा सकते हैं। तो सहयोगी कौन है, सहयोगी है
एक तो वी एस सिंधे, वी एस सिंधे ये सभी डॉक्टर हैं, डॉक्टर वी एस सिंधे सहयोगी हैं। इसके अलावा डॉक्टर आर के, डॉक्टर आर के मोहंते ये इनके सहयोगी थे। इसके साथ ही इनके सहयोगी थे डॉक्टर ललित पांडे, ललित पांडे ये इनके सहयोगी थे। इसके अलावा डॉक्टर देव कोठारी ये इनके सहयोगी थे, डॉक्टर देव कोठारी। यानी जो उत्खनन काम होता है 1993 में होता है और इस उत्खनन कार्य का मुख्यतः नेतृत्व करते हैं प्रोफेसर वी एन मिश्र करते हैं, और वी एस सिंधे, आर के मोहंते, ललित पांडे, देव कोठारी ये सभी के सभी उनके सहयोगी हैं। इन सभी का नाम आ सकता है, तो ये इसमें इन्वॉल्व रहे थे, इन कार्य इन्होंने उत्खनन का किया था। काल माना जाता है, काल वो इसका माना जाता है 2350 ईस्वी पूर्व के आसपास। ऐसा माना जाता है कि 2350 ईस्वी पूर्व है ये, क्या है कि इसका मध्य काल था। किसका? बालाथल का, कि मध्य काल था, यानी इससे पहले और बाद में इसका काल रहा है, ये लगभग मध्य काल माना गया है। यानी 2350 ईस्वी पूर्व के आसपास बालाथल का काल माना गया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं, वो देखते हैं यहाँ की मुख्य विशेषताएं, यानी यहां से हमें अन्य क्या चीजें प्राप्त हुई इस सभ्यता स्थल से। तो इन मुख्य विशेषताओं को एक एक कर हम देखते हैं। तो इस सभ्यता स्थल की जो मुख्य विशेषताएं हैं, ये मुख्य विशेषताएं क्या है? नंबर एक कि बालाथल से हमें कपड़े के प्रमाण मिले हैं। ये हमने जब बैराट पढ़ा था तब पढ़ा था कि कपड़े के जो प्रमाण है हमें बैराट के अलावा कहां से मिलते हैं? बालाथल से ही हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा, यहां से हमें मृद भांड मिले हैं। क्या मिले हैं? मृद भांड मिले हैं, और मृद भांड यहां मिले हैं वो दो प्रकार के थे। एक तो परिष्कृत थे, परिष्कृत, और दूसरे हैं अपरिष्कृत। परिष्कृत हैं, इनमें क्या है, इनमें प्याले हैं, छोटे बर्तन हैं, यानी पूरी अच्छी तरह से जिनको बनाया गया है, पकाकर बनाया गया है, जिसमें डिजाइन किए गए हैं, वे परिष्कृत मटबाट थे। अपरिष्कृत क्या थे? जो पूरी तरह से पके हुए नहीं थे। तो परिष्कृत और अपरिष्कृत में ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या था, आप लिखते हो तो लिख सकते हो इनमें लिखते टाइम, पर ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा आती है तब ये क्वेश्चन आता है कि परिष्कृत और अपरिष्कृत प्रकार के दो प्रकार के मर्दभान किस सभ्यता स्थल से मिले हैं। तो बालाथल से हमें मिले हैं। इसके अलावा यहां क्या मिलता है साथियों? यहां आपने बेल वे कुत्ते, बेल की जगह आप इसे सांड कह सकते हैं क्योंकि सांड का उपयोग किया जाता है, बेल व कुत्ते की मृड मूर्तियां। मृड मूर्तियां मतलब कि मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। बेल व कुत्ते की मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई है? बालाथल से प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहां क्या है कि पशुपालन, कृषि एवं शिकार के प्रमाण मिले हैं। शिकार के प्रमाण इस स्थल से प्राप्त होते हैं। यहां ध्यान रखेंगे जो पशुपालन है उसके लिए बालाथल नहीं जाना जाता है। पशुपालन का जो क्वेश्चन आता है वो बागोर भीलवाड़ा का आता है। बागोर जो भीलवाड़ा में है उसके बारे में ये सभ्यता स्थल ही है। ये इसके बारे में पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम पशुपालन के प्रमाण कहां से मिले? तो सबसे प्राचीनतम जो पशुपालन के प्रमाण है वो बागोर भीलवाड़ा से मिलते हैं, ये अपने ध्यान रखेंगे साथी। नेक्स्ट, यहां से पांच लोहा गलाने की बट्टियां मिली है। पांच लोहा
गलाने की भट्टियां हैं वो हमें यहां से प्राप्त होती हैं। पांच लोहा गलाने की भट्टियां हमें इस स्थल से मिलते हैं। नेक्स्ट यहां से क्या मिलता है, यहां से हमें मिलता है वो मिलता है तांबे के सिक्के। तांबे के सिक्के हमें यहां से प्राप्त हुए। यहां आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो तांबे के सिक्के हैं, ये तांबे के सिक्के एक तो प्रथम ईसा पूर्व के हैं, यानी काल इसका कौन सा माना गया है, प्रथम ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व ये था इसका काल माना गया है, अनुमानित है। दूसरा क्या है कि ये तांबे के सिक्के हैं, इन पर हाथी व चंद्रमा के चित्र हैं। हाथी व चंद्रमा के चित्र युक्त तांबे के सिक्के किस सभ्यता स्थल से मिले, तो ये बालाथल उदयपुर से हाथी व चंद्रमा युक्त तांबे के सिक्के हमें मिले हैं। इसके साथ ही यहां से हमें 11 कमरों वाला विशाल मकान मिला है। 11 कमरों वाला विशाल मकान मिला है, इसको कहीं कहीं दुर्ग भी कहा गया है। तो ध्यान रखें 11 कमरों वाला विशाल जो मकान है वो भी हमें कहां से प्राप्त होता है, बालाथल से हमें 11 कमरों वाला विशाल मकान मिला है। यहां हमें आयताकार बुर्ज मिली है। ये आयताकार बुर्ज क्या थी कि आयताकार बुर्ज है, ये दीवार के अंदर बनाई जाती थी, यानी दीवार के अंदर आयताकार बुर्ज मिली है, दीवार में बनाई जाती थी। क्यों बनाई जाती थी, ये दीवार को मजबूती प्रदान करने का कार्य करती थी। दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए हमें आयताकार बुर्ज भी इस स्थल से प्राप्त होती है। तो ये थे साथियों हमारे दो स्थल, गणेश्वर और बालाथल। आज इतना ही, कल अपने नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद साथियों।